मुरादाबाद के कांठोड स्थित केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अमित जैन ने की। कार्यक्रम का संचालन ट्रेनर कुमारी दीपा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक साहिल पंडिता का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक साहिल पंडिता द्वारा कहा गया कि आज का दौर डिजिटल दौर है। ज्यादातर लोग एटीएम व मोबाइल द्वारा बैंकिंग सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एटीएम का कोई नंबर या पासवर्ड लेकर आपके साथ चीटिंग कर देता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने एटीएम कोड को गोपनीय रखें, किसी को भी एटीएम अथवा अपना कोड नंबर ना दें। मोबाइल पर भी अगर कोई एटीएम का नंबर या नाम मालूम करता है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। बैंकिंग की प्रत्येक सेवा गोपनीय होती है। बैंक अपने ग्राहक से बात करता है और ग्राहक अपने बैंक से। अगर थर्ड पर्सन कोई भी आपसे फोन पर संपर्क करके एटीएम का पिन या कुछ और मालूम करता है तो ऐसी जानकारी किसी को ना दें। अपनी गोपनीयता किसी को प्रकट ना करें। अगर किसी को कोई शंका है तो वह बैंक जाकर अपनी बात को प्रबंधक से बता सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल द्वारा भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी को बेहतर तरीके से काम करने पर बताया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम के बाबत जब केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अमित जैन से बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया। आज आरबीआई से श्री साहिल जी आए थे, जो आरबीआई में मैनेजर हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और उसके अवेयरनेस और फ्रॉड के बारे में एक लेक्चर दिया है और पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया है। आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होगा? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब पूरा एक तरीके से पूरा देश डिजिटलाइजेशन के तरफ मूव करता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि एटीएम से क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, मोबाइल से क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, और जो फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें आपका डिटेल्स मांगा जाता है उससे कैसे बचा जा सके, और हर तरीके से इन सब चीज़ों से बचने के सर ने उपाय बताए हैं। आमजन से भी क्या अपील देगी सर के वक्त को लेकर? आमजन से यही अपील है कि जब भी आप ये एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या जो डिजिटल चैनल्स यूज़ करते हैं तो सावधानी बरते, जैसा कि सर ने बताया वो उपाय पूरी तरीके से अपने जीवन में लाएं ताकि उससे बचा जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक साहिल पंडिता, अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल, नीरज कुमार, ट्रेनर कुमारी दीपा, सरिता भटनागर, सुमित कुमार, कमल सिंह आदि भी मौजूद रहे।